हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन यार योर यूट्यूब चैनल श्याम व्लॉग। और मैं एक फ्लिपकार्ट से नया फ़ोन ले रहा हूँ, पोको M2 प्रो। और ये मेरा ओल्ड फ़ोन है जिसको मैं एक्सचेंज करा रहा हूँ रेडमी Y3। ठीक है, साथ में मैं केबल भी दे रहा हूँ, पूरा बॉक्स दे रहा हूँ। ये आपको ज़रूरी नहीं है देना, ठीक है। तो अभी ऐसी बात है फ्रेंड्स कि फ़ोन आप देख लीजिए मेरा, ठीक है। फ़ोन आप देख लीजिए और फ़ोन को मैं क्या करता हूँ आपको चारों तरफ से बता देता हूँ, ठीक है। चारों तरफ से बता देता हूँ फोन की कंडीशन क्या है, ठीक है। एकदम नया फोन है फ्रेंड्स, 10 महीने हुए हैं। मैं एक यूट्यूबर हूँ इसलिए मैं ये दो ही कैमरा है जिससे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब पे। साफ वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता, इसकी वजह से मैं नया फोन ले रहा हूँ। तो फोन मेरा फ्रेंड्स एकदम नया है, ठीक है। इसमें उस फ्लिपकार्ट वाले ने, विस मास्टर ने कमी निकाल दी कि आपकी स्क्रीन में क्रैक है। देखो फ्रेंड्स, ठीक है, देख लो, कोई क्रैक नहीं है भैया। मैं जूम करके भी बता देता हूं, उन्होंने फोन में क्रैक कमी बता दी और मना कर दिया। इतना बदतमीज इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। और ये जानबूझ के आपके पैसे काट कम करना चाहते हैं। मैं सीरियस कहता हूं फ्रेंड्स, बायकॉट कीजिए फ्लिपकार्ट से, फोन लेना बंद कर दीजिए। एक्सचेंज तो कभी करवाना नहीं है, इनकी नीति होती है कि कुछ ना कुछ पैसे कम करके। फ्रेंड्स आप इसको समझिए, अब मैं डायरेक्ट फ्लिपकार्ट का जो हब होता है मेरे नियर बाय, मैं जोधपुर सिटी में रहता हूँ, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में PC भंडारी की जो शॉप है वहां पे इनका हब है, मैं वहां दिखाने गया, ठीक है ना। उन्होंने 2-3 लोगों को चेक करवाया और कोई कमी नहीं निकली फ्रेंड्स। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका फोन तो एकदम अच्छा है, वेल कंडीशन में है। उसके बाद उस विस मास्टर ने, हो सकेगा तो मैं उसके आपको सकल भी बताऊंगा, डू नॉट भरोसा ना करें आप डायरेक्ट। अगर आपका फोन एकदम कंडीशन में है, कुछ भी क्रैक्ट नहीं है कहीं से भी, तो आप फ्रेंड्स सीरियसली आप भिड़ जाओ उनसे। वो इतने कॉन्फिडेंस हो गए हैं, वो चाहते हैं कि आपके कुछ भी कमी निकाल के आपके पैसे कम कर दिए जाए, जो कि ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि वो लोग पैसे खाते हैं। वो सेकंड हैंड फोन में से आपके 2-3 हजार रुपए कम करके वो खा जाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। मैं यूट्यूब के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर आप कतई विश्वास ना करें और उनसे भिड़ जाएं, उनको बोलें, प्लस आप फ्लिपकार्ट पे कंप्लेन करवाएं। फ्लिपकार्ट की टर्म एंड कंडीशन में लिखा रहता है कि फोन में क्रैक हो स्क्रीन पे, चारों तरफ से बॉडी जो है ना, ये चारों तरफ से डेंट हो, या फिर फोन की डिस्प्ले है वो बाहर निकली हुई हो, तो आपके चार्ज पैसे कटेंगे, उसमें वो पैसे काटेंगे जो कि वैलिड है। मैं उनका सपोर्ट करता हूं यहाँ पे, पर कुछ भी कमी नहीं है भैया। कमी क्या है बताओ आप मेरे को, एकदम नया फोन है तो भी कमी निकाल रहे हैं। मुझे बोलता है कि मैं फ्लिपकार्ट को नहीं मानता हूं। उस विस मास्टर ने मुझे ये बोला है कि मैं तो मेरे वो जो हब वाले बोलेंगे उनकी बात मानूंगा। मेरे को बोलता है मेरे पैसे काट लेते हैं। अरे कोई नहीं काटते भैया पैसे। 3 सितंबर, आज तारीख है फ्रेंड 14 सितंबर 2020, 3 सितंबर को मैंने मेरे फ्रेंड के फोन मंगाया था, सैमसंग J2। उसकी चारों तरफ से जो है चमकीला फोन रहता है, यहां से चमकीली चमकीली परत रहती है सैमसंग J2 के, ठीक है ना। 2016 का मॉडल है, उस पे वो चमकीली परत हट चुकी थी और उसके फोन पे बहुत सारे स्क्रैच थे फ्रेंड्स, बहुत सारे। उसके बावजूद उसने ले लिया और उस डेंट के पैसे काट दिए। आज मेरे को बता रहा है कि भैया तेरे फोन पे स्क्रैच है। अरे भाई शर्म कर यार, मतलब ऊपर वाले से तो डर। ऐसे लोग हैं फ्रेंड्स बेसिकली, ऐसे लोगों पे आप बिल्कुल ट्रस्ट ना करें, ठीक है। अभी वो आएगा तो मैं उसकी फोटो आपको जरूर बताऊंगा। ये लोग मतलब अब बिना डर के जी रहे हैं, क्योंकि लोग जागरूक नहीं है। जागरूक बनो फ्रेंड्स, मैं सीरियस कह रहा हूं, जागरूक बनो आप। अगर आप इस तरह से ये लोग आपको ठगते रहेंगे, आप समझोगे कि हाँ भाई मेरे फोन में कम, भैया ओल्ड फोन एक्सचेंज करा रहे हैं। ओल्ड फोन एक्सचेंज का मतलब होता है पुराना फोन। पुराने फोन में हल्का वल्का स्क्रैच भी होगा ना तो चलता है, क्रैक नहीं होना चाहिए, बॉडी चेंज नहीं होनी चाहिए, डेंट नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। फ्रेंड्स यही आपको मैं चीज बताना चाहता हूं। काफी मेहनत लगी, बाइक से मैं गया हूं, मतलब फ्लिपकार्ट हब जो है, भागता भागता मैं गया हूं वहां पे। और ये लोग क्या करते हैं कि
मतलब इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि आपका आप तो कुछ आपके पास रास्ता ही नहीं है, आप तो खत्म हो चुके हो, ठीक है ना, आप तो खत्म हो चुके हो, आपके पास रास्ता ही नहीं है, ऐसे लोग हैं ये, ठीक है ना। और अभी तक मुझे बोल रहा है कि मैं 5 मिनट से आ रहा हूं, अभी 20 मिनट हो चुके हैं, अभी तक वो नहीं आया देने। और 2-3 जनों से वो बोल रहा है कि आप इसमें कमी है, ये है वो है, मतलब अपने फोन लगा लगा के बोल रहा है कि आप फलाने आदमी से चेक करो, वो कमी निकाल देगा, ऐसे कर देगा। मतलब दादागिरी देखो उन लोगों की, ऐसे बदतमीज लोग हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं फ्लिपकार्ट को भी, मैं वीडियो या ट्वीट करूंगा, ठीक है ना, कि ऐसे लोग को आप जरूर रिप्लेस करें, क्योंकि ऐसे लोगों को आप निकालो काम से, वो फ्लिपकार्ट को डुबो रहे हैं, डुबोने का काम करते हैं। मैं खुद यूट्यूबर हूँ फ्रेंड्स, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मतलब मैं इतना जागरूक हूँ फ्रेंड्स, मैं वहां जाके सबसे चेक कराया हूँ, उन सब ने कहा कि आपका फोन तो ठीक है, फिर क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं, मतलब शर्म आनी चाहिए। फ्रेंड्स वीडियो जारी रहेगा, ठीक है, इसके खिलाफ मैं और आगे तक जाऊंगा अगर उसने, क्योंकि मुझे पता है वो चालाकी करेगा, अभी भी वो बंदा जो है वो चालाकी करेगा, वो कोशिश करेगा कि इसके कैसे कैसे पैसे मैं कम कराऊं। पर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे नहीं मानने वाला हूँ, अभी वो 20-25 मिनट उसके हो चुके हैं, क्या पता वो किसी न किसी से बात करके बोलेगा कि कुछ ना कुछ कमी निकाल देगा। तो अभी मैं उसको फिर से फोन करके उसको मैं कोशिश करूंगा कि उसको ये फोन मैं दूं और नया फोन मैं जल्दी से जल्दी कलेक्ट करूं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ये फोन चला जाएगा तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि ये प्रूफ है फ्रेंड्स, ये प्रूफ है आपके सामने, ये प्रूफ है, चारों तरफ से आप देख लीजिए, ठीक है ना। मैं इसलिए बता रहा हूं वीडियो में ताकि मतलब लोगों को जागरूक मिले, समझे वो चीज, इस चीज को समझे, आप जागरूक बने फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आपने फाइनली वीडियो देख लिया होगा और मुझे ये फ़ोन मिल भी चुका है, इसकी अनबॉक्सिंग डिटेल में सब उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है ना। तो अभी मैं और कुछ आपको बात बताना चाहता हूँ, बंदा आया विश मास्टर मेरे पास, फ़ोन मैंने उसको चेक कराया, उसने कमी निकाली, फिर मैंने कहा कि भाई इसमें कमी नहीं है, फ्लिपकार्ट की टर्म एंड कंडीशन में कुछ और लिखा है, उसको मैं फॉलो करूंगा, मेरे फ़ोन में सॉफ्टवेयर कमी हो, फ़ोन नहीं चल रहा हो, कैमरा ख़राब हो, कैमरा टूट फूट हो, डेंट हो, क्रैक हो, ठीक है ना, वो सब कुछ खराबी हो तो आप कमी निकालिए, मैं उसके चार्ज आपको करूंगा, ठीक है ना। जो वैलिड रीज़न है उसके चार्ज देना पड़ेगा, वो बात सच है, पर जिस चीज़ की हमें कमी नहीं है तो वहाँ पर आप चार्ज क्यों कर रहे हो, इसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है। आप यूट्यूब पर है ना, जितने भी वीडियो आप देखना, सब लोग इन विश मास्टर से परेशान हैं, ठीक है। अब क्या है कि आप सेकंड चॉइस है कि आपके पास में जो नियर हब है आप वहाँ पे जाके चेक कराओ, एंड वहाँ पे आप सबको चेक कराओ कि भैया आप चेक करो इस चीज़ को, गलत है तो बताओ, क्योंकि मुझे पता था मेरे फ़ोन में कोई कमी नहीं है तो मैं उनसे क्यों डरूं, मैं सीधा जाके चला गया, ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। उसके बाद उसी समय आपको क्या करना है कि फ्लिपकार्ट पे कंप्लेन दर्ज करवानी है। मैंने उसी समय फ्लिपकार्ट पे कंप्लेन दर्ज कराई और मैंने उनसे कहा कि ये चीज़ हो रही है और आपके टर्म एंड कंडीशन में जो चीज़ कमी निकलेगी, ठीक है ना, वो चीज़ का मैं चार्ज ज़रूर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने उन लोगों को कहा था। अब क्या हुआ कि मैं जब वापस घर आया तो उन्होंने मैं जब हब में था तो मैंने कहा कि आप इनसे बात कर सकते हो, कॉल फ्लिपकार्ट पे हब वालों ने इनको कॉल किया विश मास्टर को कि आप इनको फ़ोन दे दीजिए और ये पुराना वाला ओल्ड फ़ोन है वो ले लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ओल्ड फ़ोन में कुछ ना कुछ कमी तो रहती है फ्रेंड्स, पर मेजर जो कमी होती है ना उसको हमेशा उसके चार्ज ही लगते हैं, माइनर जो होती है ना कमी, हल्के से क्रैक्स हो, मतलब सॉरी क्रैक्स नहीं, हल्के से स्क्रैच हो ना तो वो चल जाता है, एक स्क्रैच हो, क्योंकि कभी कभी आपके फ़ोन में आप स्क्रीन गार्ड नहीं लगाते हो तो वो इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्रैक्स डेंट्स और पूरा जो स्क्रीन बाहर निकली हो, ठीक है, टूट फूट हो ना, उसके चार्ज हम काट सकते हैं, ये फ्लिपकार्ट की टर्म एंड कंडीशन है। मैं आया उसके बाद मैंने स्विस मास्टर को कॉल किया, वो भाई साहब 1 घंटे बाद आया, मैं उसको फ़ोन लगा रहा हूँ, भाई साहब का फ़ोन बिज़ी आ रहा है 20-20 मिनट, मतलब उसने ठान लिया था कि किसी भी तरह मैं इसके पैसे कम करवा पैसे इसको पूरे नहीं देने हैं, इससे पैसे और वसूलने हैं।
तो मेरे फ़ोन की कीमत थी 5,850, जिसमें से 100 रुपये ये डिलीवरी चार्ज लेते हैं, तो 5,750 रुपये इसकी कीमत थी। अब वो ये ऐसा करता तो मेरे पैसे बहुत कम हो जाते, कम से कम 3,000 का लॉस हो जाता। तो ये था वीडियो, थैंक यू फ्रेंड।